जितने एक एक
ऊंट खाने वाले लोग रसूल की फौज में थे, सबके सब सवार हुए। इधर इधर से ये सवार होते, इधर अली दूसरे किनारे पर रख देते। सारा लश्कर उतर गया, एक एक करके अली के एक हाथ पर सारा लश्कर उतर गया। जब सारा लश्कर पार हो गया तो मुसलमानों के बुजुर्ग तरीन इंसान ने अली का हाथ चूम कर कहा, या अली तेरे बच्चे जिए कि आज तूने हमें खंदक के उस पार कर दिया अपने हाथ से। सलमान फारसी ने आगे बढ़कर कहा, अय अली को मुबारक देकर शुक्रिया अदा करने वाले, जिस तरह आज अली ने खंदक से इस दरवाजे के जरिए हमें पार किया है, अगर उसी तरह अली के कदमों से लिपटे रहे तो पूरे सिरात भी ऐसे ही गुजरेंगे। धन्यवाद पड़े मोहम्मद। मासूम की तशरीफ आवरी इस दुनिया में इस तरह होती है जैसे लोहे महफूज से कुरान आता है। मासूम न बदतरीज तरक्की करता है न बदतरीज इल्म हासिल करता है। मासूम की तशरीफ आवरी चूंकि आम इंसानों से मुख्तलिफ होती है, इसलिए अगर तीन दिन के बच्चे को माँ झूले में लिटा कर चली जाए तो सांप के दो टुकड़े कर देता है। बच्चे में इतनी कुव्वत है तो वही बच्चा 27 साल का होकर अगर फाइबर उलट दे तो तअज्जुब का सवाल पड़ेगा। आज की इस मजलिस में एक जुमला मुझे कहना है, यकुम मुहर्रम से अब तक आज 28 सफर तक अब तक हर रजा खाना खुला हुआ है। हर रजा खाने में मोमिनों में उमनात जमा है, हर रजा खाने में मजलिस हो रही है और रोजाना पुरसा देते हो एक बीबी को जिसका नाम है फातिमा। जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है ना आसमान पर, फिर शाम से एक बीबी उठती है और जन्नतुल बकी वाली बीबी को आकर कहती है, अम्मा अम्मा चलो मेरे भाई के रोने वाले जमा हो गए। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि ये शाम वाली बीबी जन्नतुल बकी वाली बीबी को लेकर हर मजलिस में मौजूद होती है और उन बीबियों की गोद में एक 4 बरस की बच्ची होती है। जब मोमिन रोते हैं ना बावाज बुलंद तो वो बच्ची जिन जो उन बीबियों की गोद में बैठी हुई है वो हैरत से पूछती है, फूटी जैनब ये कौन है जो रो रहे हैं? चरदारी जैनब फरमाती है, सकीना ये तेरे बाबा के अजादार हैं। बीबी सकीना कहती है, फूफी अम्मा मेरे बाबा के इतने अजादार करबला में होते तो मेरे भाई अली असगर को तीर ना लगता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुहर्रम से आज 28 सफर है, 1 महीना 28 दिन से आप पुरसा दे रहे हैं। अजादारो आज फातिमा जहरा एक पुरसा लेने नहीं आई है बल्कि आज बीबी 2 पुरसा लेने आई है, एक बाबा का पुरसा एक बेटे का पुरसा। जब इमाम हसन को ज्यादा ने जहर दे दिया इमाम तड़पने लगे, ज्यादा रोने लगी। इमाम ने जब रोते हुए देखा तो आप क्यों रो रही है, तेरा काम तो हो गया। वो कहती है, मौला मुझे आपकी बहनों से शर्म आती है, अभी वो आएगी जब पूछेगी कि इमाम कहते हैं पीछे वाले दरवाजे से निकल जा, मगर इतना याद रख न तेरी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, न तेरी शादी अजीज से होगी और जो पैसा मांगा तुझे देगा वो तेरे इलाज में लग जाएगा और तू भी मजनून हो जाएगी, रोजे कयामत मेरी माँ तुझसे हिसाब लेगी। इतने में इमाम हुसैन आए, कहा भैया आपको किसने जहर दिया? हुसैन पहले तश्त लाओ, मेरा कलेजा जल रहा है, सीने में जलन हो रही है। तश्त आया इमाम ने कलेजे की टुकड़े तश्त में गिराया, कहा हुसैन ये तश्त छुपा दो। पूछा भैया वो क्यों? कहा अभी मेरी बहनें आएंगी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तश्त छुपाया इतने में ज़ैनब आई, भाई की हालत देखी न गई रोने लगी। हुसैन की रो रो कर आँखें सुर्ख हो गई। इमाम ने हुसैन को करीब बुलाया, कहा भैया सब मुझ पर रोएंगे मगर आप पर रोने वाला कोई ना होगा। भैया हुसैन मुझसे ज़्यादा आप पर जुल्म होंगे, आपका लाशा तीरों पर मुअल्लक होगा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, हम कब्र में भी आपकी मुसीबत पर रोएंगे। आज मेरे सब भाई मौजूद हैं मगर जब आप घोड़े से गिरेंगे कोई ना होगा। फिर इमाम ने वसीयत की, आप ही मुझे गुस्लों कफन देना, मेरा जनाजा पढ़ाना। ये कहते कहते कासिम को बुलाया, कासिम का हाथ चचा के हाथ में दिया, जैनब तड़प गई, कहा भैया जैनब को किसके हवाले किया? इमाम कहते हैं बहन तुम्हें अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ। ये कहते कहते इमाम की रूह गुलशन जन्नत को सिधारी, इमाम हुसैन वसीयत के मुताबिक भाई का गुस्लों कफन किया। जब जनाजा तैयार हुआ बहन ताबूत पर गिरी, भैया का आखिरी दीदार कर लेने दो। अब ताबूत घर से चला, अभी जैनब दरवाजे के पीछे खड़ी थी, किसी मलूना ने कहा कि हम रसूल खुदा के साथ दफन होने देंगे। इधर नाना के रोदे पे हुसैन भाई का जनाजा लेकर पहुंचते थे कि उधर उम्मत ने तीरों से इस्तकबाल किया। इधर जनाजे हसन पर तीर चले, इधर अब्बास अपने घर में आए तलवार लेकर जाते हुए देखा तो अली की बेटी जैनब ने रोक लिया। अब्बास मैंने तुझे जनाजा देकर भेजा था लेकिन तू ये तलवार लेकर कहाँ जा रहा है? अब्बास ने सर झुका कर कहा आज जाने दे, कल जब रुक भी जाऊँगा शहजादी मेरी जिंदगी में भाई हसन के जनाजे पर तीर आए और अब्बास जिंदा रहे। अजादारो अब्बास घर से चले, रोजे रसूल पर आए हैं, रसूल के मजार पर हसन का जनाजा रुका हुआ है, तीर बरस रहे हैं। एक मरतबा अब्बास की ललकार हुसैन ने मुड़ कर देखा, अब्बास तलवार हाथ में
में नहीं हुए, अपन जमीन पर खींचता हुआ हुसैन ने भाई के जलाल को देख कर कहा, अब्बास अब्बास मदीने में करबला नहीं बनाना चाहता, अब्बास तलवार नियाम में रख ले, हम अपने भाई को गरीब माँ के पहलू में ले जाएंगे। आजादारो, अब्बास ने तलवार नियाम में रखी, हुसैन ने कांधे पर हाथ रखा, भाई को समझाया, हुसैन जनाजे को लेकर घर में आए। घर में जब जनाजा आया तो अली की बेटियों ने मातम करके कहा, भैया हुसैन मैंने अपने भाई को सफेद कफन पहनाया था, ये कफन सुर कैसे हो गया? जनम ने लाश से तीर निकाला, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। इमाम हुसैन भाई की कब्र पर बैठ गए, रोजे रसूल का रुख करके कहते हैं, नाना नाना आप तो कहते थे हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन तो गरीब बेटा है। नाना उठकर हसन के जनाजे को देखो, नाना जब अमीर का अमीर बेटे का जनाजा ऐसा होता है तो गरीब का जनाजा कैसा होगा? इन्ना लिल्लाह।